तो हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो प्लीज ये वीडियो पूरा जरूर देखना, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो प्रोमो में जिस हिसाब से पिक्चर आई है और जो लाइव फीड बंद कर दी थी, एक जबरदस्त फाइट हुई थी घर के अंदर मनोहर फारूकी और विक्की जैन के बीच के अंदर। यहां पे अब ये भी देखा जा रहा है कि काफी कुछ पुराने आरोपों को लेके विक्की जैन मनोहर फारूकी पे अटैक कर रहे हैं। वही आयशा का उनके पास एक जड़ी बूटी दे रखी है जो कहीं ना कहीं मेकर्स ने आयशा खान को घर के अंदर डाल के मनोहर फारूकी की गेम को थोड़ा सा वीक करने के लिए सारी कोशिश की थी। और वही झुंझुना पकड़े विक्की जैन लगातार मनोहर फारूकी पे वही अटैक कर रहे हैं, देख तेरा घर के अंदर आई है, देख जो तूने किया था, देख तेरे सामने खड़ी है। और मनोहर फारूकी भी कह रहे हैं कि हाँ मैं देख रहा हूं, लेकिन आप भी दूध के धुले हुए नहीं हो, आपने क्या क्या कहा मनारा चोपड़ा के लिए। यहां पे विक्की जैन लगातार मनोहर फारूकी को टारगेट करे, जबकि इस फाइट के अंदर बाल्टी उतार रहे थे ऊपर से, यहां पे कुछ भी लेना देना नहीं था विक्की का, लेकिन वो इतना घबरा गए थे कि उन्होंने तो जो टॉर्चर टास्क था उसके अंदर सारी हदें पार करी, लेकिन उनको ये डर था कि जो उनके साथ अब होने वाला है शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। विक्की जैन एक ऐसे खिलाड़ी है इस घर के अंदर जिनकी खुद की वाइफ के साथ नहीं बन पाई अंकिता लोखंडे के साथ, और लगातार हर एक एपिसोड के अंदर एक से डेढ़ घंटे का फुटेज उन्हीं को मिल जाता है जिसके अंदर वो लड़ाई झगड़े करते हुए दिखते अंकिता लोखंडे के साथ। तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं अगर हम गेम रिलेटिव देखें तो जो अपने लोगों को, अपने परिवार को इस घर के अंदर नहीं सॉल्व कर पाए, ना ही उनके साथ अच्छा उनका बॉन्ड देखने को मिला। बार बार अंकिता लोखंडे ये कहती रहती है कि हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, यहाँ पे मंकू करके पूरा सीजन एपिसोड निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे समझाने की बात, थोड़ी समझने की बात ये है, जो विक्की जैन बाकी घर वालों के पास कोनों कोनों में बैठ के इतना ज्ञान समझाते हैं और इतना समझाने की कोशिश करते हैं, वो अभी तक अंकिता लोखंडे को क्यों नहीं समझा पाए। 95 दिन हो चुके, 95 डे, उसके अंदर हर एक एपिसोड के अंदर उनकी नोकझोंक दिखती है। तो यहाँ पे फिर दोबारा से विक्की ने वही अटैक किया है जो कहीं ना कहीं आयशा को लेके, आयशा उनके ग्रुप के अंदर भी है तो इसलिए आयशा का वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुराने आरोपों के साथ, वही घिसे पिटे के साथ विक्की जैन मनोहर फारूकी पे कुछ आरोप लगा रहे हैं, और यहाँ पे मनोहर फारूकी ने भी गेम खोल के रख दी और बता दिया कि विक्की जैन हाँ मैं अगर हूँ तो आप भी दूध के धुले हुए नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी भी बहुत सी मजाक बनाया गया है, वो सलमान सर का हो या भारती का आना हो, जो सना के साथ एक चीज निकल के आई थी, जो इन्होंने थोड़ा जो फुटेज हमने देखा था बिग बॉस के अंदर उंगली पकड़ने का, उस पर हमेशा बाकी लोगों ने बाहर से जो अगर सेलिब्रिटी भी आए हैं, होस्ट भी आए हैं, कोई भी मेहमान भी आया, तो उसके अंदर हमने देखा है कि उन्होंने उस मूवमेंट का मजाक बनाया है। तो मनोहर फारूकी ने भी कह दिया कि मेरा ऐसा कोई मूवमेंट का मजाक नहीं बना, आपके सना को लेकर काफी लोगों ने मजाक बनाया तो आप भी दूध के धुले हुए नहीं हो। तो यहां पर क्लियर कट पर्सनल फाइट चलेगी। कुछ लोगों के पास पुराने आरोप हैं जिनको लेके वो मनोहर फारूकी पे आरोप लगा रहे हैं, और जो मनोहर फारूकी हैं वो लेटेस्ट जो नई चीजें घर के अंदर जो चीजें हुई हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मनोहर फारूकी का और अंकिता लोखंडे का साथ बैठना भी विक्की को खटकने लगा है, जैसा मनारा और विक्की का। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि किसी के पास पुराने आरोप है और किसी के पास एक नई चीजें हैं जो वो सामने रख रहे हैं, और विक्की की गेम मनोहर फारूकी ने पूरी खोल के रख दी जिस हिसाब से वो बाकी लोगों के लिए सोचते हैं, यहाँ पे वो किसके साथ दोस्ती हुई है, यहाँ पे हर एक लोगों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ग्रुप बनाने की कोशिश करी है, मंडली बनाने की कोशिश करी है, सब आरोप मनोहर फारूकी ने भी लगाए हैं। और इसके अंदर अरुण और अभिषेक भी मनोहर फारूकी का साथ देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उस फुटेज में साफ दिख रहा है कि खाली वो बाल्टी उतारने की कोशिश कर रहे थे, यहां पे उनको खींचने की कोशिश करी है। और यहां पे क्यों खींच रहे हैं, क्यों बीच के अंदर जा रहे हैं, क्यों फुटेज लेने के लिए इतना आगे बढ़ के एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं विक्की जैन, ये भी सोचने की बात है कि जिसके अंदर वो अंकिता हो या फिर अभिषेक हो, अब मनोहर फारूकी हो, तो इतना फुटेज के लिए क्यों करें। क्योंकि जब से पता लगा है कि वो जो कवाली टास्क हुआ था जहां पे 5 लोगों को रखा था तो उसके अंदर विक्की नहीं था, तो विक्की को क्या लगने लगा है कि वो टॉप 5 के रेस से बाहर होते जा रहे हैं, क्या उन्हें लगने लगा है कि अब मुझे टॉप 5 में जाना है तो मुझे अंकिता लोखंडे से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फुटेज देना पड़ेगा, जिसके कारण मैं टॉप 5 की रेस तक तो जाऊं जहां पे मेरे को अपनी जर्नी वीडियो देखने को मिले। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर आप बताएं, और लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज, ऐसी अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं 4 बजे लाइव के साथ, क्योंकि घर के अंदर बहुत ही समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं, और कौन ले जाएगा बिग बॉस की ट्रॉफी अपने घर, तो बस थोड़ी घड़ी बची है, थोड़े टाइम बचा है, अपने फेवरेट को आप वोट करें।